I mean, there is a lady in the country who is saying that just like Priyanka Gandhi, even Nirbhaya's mother should forgive. उस लेडी को उन लड़कों के साथ चार दिन जेल में रखो. उनको रखना चाहिए. उसको जरूरत है. कैसी ऐसी औरतें होती हैं जिनको बड़ी दया आती है और ऐसी ही औरतों की कोख से ऐसे निकलते हैं दैशी दरिंदे. ये भी किसी के कोख से ही निकले हैं. उन्हीं की कोख ऐसी होती है जो ऐसा सोचती है, जिनको सिंपैथी आती है, प्यार आता है इन पे, दैशियों पे, खूनियों पे. एक तो वो माइनर था, उसको माइनर कहते हैं जो रेप करता है, जो 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 कि रेप करने के काबिल है. वो कौन से उससे माइनर बनता है? वो कौन सा स्टैंडर्ड इन लोगों ने बनाया हुआ है जो उसको माइनर बता रहे हैं? जो बंदा रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, रेप कर पा रहा है और इस तरह की हरकतें कर पा रहा है, तो सबसे पहले वो माइनर है ही नहीं. ऊपर से ऐसे लोगों को चौराहे पे मारना चाहिए, उनको वहाँ पे हैंग करना चाहिए ताकि सबको पता चले कि क्या होता है रेप और क्या उसकी सज़ा होती है. और ये कोई इतने सालों बाद इतने सालों बाद वो माँ भी इतनी सफ़र कर रही हैं, उनके पिताजी इतने सफ़र कर रहे हैं, पूरी फैमिली की क्या हालत होगी, उनका अभी क्या बचा होगा इतने सालों में उनका संघर्ष कर करके? कहाँ जाएंगे वो गरीब लोग? पैसे हाई कोर्ट से सुप्रीम, कहाँ कहाँ जाएंगे वो? मतलब ये कैसा समाज है? तो मुझे तो नहीं लगता कि इन लोगों को ऐसे चुपचाप मार देना चाहिए. तो ऐसे मारने का क्या फ़ायदा जब आप एग्जाम्पल ही सेट ना कर पाए? उन लोगों को चौराहे पे हैंग करना चाहिए, चौराहे पे मारना चाहिए सबके सामने. सबसे पहले तो मैं ये पूछती हूँ कि इंदिरा जयसिंह होती कौन है? मेरे से सवाल करने वाले, मेरी क्या लगती है? वो बलात्कारियों की माँ हो सकती है, बलात्कारियों की रिश्तेदार हो सकती है, मेरा कुछ नहीं लगती. उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मुझसे अपील की? 7 साल मैं उससे मिली हूँ, कोर्ट में बार बार मिली हूँ, उसने तो हमारा हालचाल कभी नहीं पूछा. जब बलात्कारियों की बात आई तो उसने माफी की बात कर दी. ये ऐसी औरत है कि मानव अधिकार पे के नाम पे पैसा लेते हैं सब, अपना धंधा चलाते हैं सब. मैं तो ये कहती हूँ कि ये अपनी रोटी रोटी चलाने के लिए कोई 2-4 बलात्कारियों का माँ बाप को पकड़ ले कि इसकी रोजी रोटी चलती रहे. मुझे इसको सजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के अनुसरण की ज़रूरत नहीं है. एक तरफ पूरा देश 7 साल से इंतजार कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, मैं संघर्ष कर रही हूँ कि नहीं उन मुजरिमों को फांसी हो, निर्भया को इंसाफ मिले, पूरे देश के बच्चियों को एक भरोसा जगे कोर्ट पे. उसी बीच में इंदिरा जयसिंह ने ऐसे सवाल किया है. मैं कहती हूँ कि मेरी लगती क्या है? वो बलात्कारियों की रिश्तेदार हो सकती है, हमारी कुछ नहीं है. मुझे किसी के अनुसरण की ज़रूरत नहीं है. वो अपना रोजी रोटी चलाने के लिए बलात्कारियों के घर जाए, उनको घर पकड़ ले कि इसकी रोजी रोटी चलती रहे. आज ऐसी ही औरतों के वजह से, ऐसे सोच वाले लोगों के वजह से हमारे देश में बच्चियों को जिंदा जलाया जा रहा है, फूका जा रहा है और रेप बलात्कार हो रहे हैं. आज ऐसे ही लोगों के वजह से किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है. ऐसे सोच वाले लोग, खासकर महिला के नाम पे कलंक है. इसको पूरे देश के बच्चियों से इंसाफ मांगना चाहिए कि इसकी हिम्मत कैसी हुई कि उसने हमसे सवाल किया कि माफ करें.